हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ब्रदर डीसीपी T710W का कॉपी, मतलब एडीएफ, और अपने मशीन की क्वालिटी कैसे आती है वो बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम पहले ट्रे देखेंगे कि ट्रे में कैसे पेपर डालना है। ये ट्रे लिया, इसमें है अपने पेपर। ये ऐसे करना पड़ता है, इसमें पेपर है। अब ये इसमें ऐसा आता है, तो हमें ये नीचे वाली बटन दबानी है। चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके दबा के। और ये बैक, यहाँ पे 100% नॉर्मल आया। ये है हमारा स्कैनर, ये देखिए स्कैनर स्क्रीन, ये है। ये ऐसा रखना है, इस कोने में ऐसे दबाना है। यहाँ पे आता है A4, यहाँ पे भी आता। और एक खास बात कि आपको ये जो स्क्रीन है ये हमेशा साफ रखनी है। ये हमने रख दिया। और आपको कलर निकालनी हो तो यहाँ पे कलर दबाइए, ब्लैक निकालनी हो तो यहाँ पे ब्लैक दबाइए, मोनो। ये अपन निकालेंगे कलर, यहाँ पे हमने दबा दिया कलर। ये अभी कॉपिंग आ रहा है। फोटो वगैरह है, आपका सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आपको अच्छी निकालनी हो, मतलब बेस्ट क्वालिटी की, तो मशीन में यहाँ पे कॉपी क्वालिटी का आता है, इसमें दबाइए। यहाँ पे आता नॉर्मल बेस्ट, नॉर्मल बेस्ट आता। तो आपको बेस्ट चाहिए तो बेस्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें ओके। इसमें आपकी इंक जो है वो ज़्यादा जाएगी। यहाँ पे 100% बेस्ट आ रहा। ये है हमारा पेज, इसको ऐसे रख दिया। आपको पेज की क्वांटिटी बढ़ानी है तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 99 आता है। ये देखिए यहाँ पे 99 आता है। अपन को एक निकालनी है अभी, कलर तो कलर कॉपी। अभी आपका पेज थोड़ा धीरे धीरे से आएगा, स्लो मोशन में। देखिए कितना धीरे धीरे आ रहा है, अभी से वहाँ पे पहुँच गए। इसमें आपका पेज भी है वो ज़्यादा थोड़ा गीला रहेगा। देखिए ये थोड़ा गीला गीला लग रहा है। ये ओरिजिनल, ये पहले वाली और ये दूसरी वाली। ये जो है ये अपना बेस्ट है और ये नॉर्मल क्वालिटी का है। देखो वाली जेरॉक्स है जो हमने पहले देखी थी, इसको अपन ऐसे लगाएंगे, रखेंगे अभी ब्लैक एंड व्हाइट। तो मोनो वाली दबानी, यहाँ पे कॉपिंग आता। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो थोड़ा जल्दी आएगा। ये अपने ब्लैक एंड व्हाइट आ चुकी है। अभी ये अपनी ये है, इसमें अपन अभी बेस्ट क्वालिटी देखेंगे। ये यहाँ पे कॉपी क्वालिटी, नॉर्मल और बेस्ट, ओके 100% बेस्ट आ रहा। अभी मोनो, इसमें थोड़ा देर लगेगा।
अपना पेपर थोड़ा गीला रहेगा। कॉपी थोड़ी डार्क और क्लियर आएगी, कलर ज्यादा ले। कितना फर्क है देखिए। तो अभी आते हैं हम अपने ऊपर वाले ADF में। ADF में आप यहाँ पे 20 शेड डाल सकते हैं, इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितना साइज चाहिए आप कर सकते हैं। ये आपके 20 शेड बाहर आएंगे तो वो नीचे गिर सकते, इसलिए आपको यहाँ पे सेफ्टी ट्रे दिया है, इसमें आपके पेज ऐसे लटक जाएंगे। अभी पेज आपको ये यहाँ से है ना, यहाँ से नीचे से डालना है। ये लिया हमने, अपन को ये प्रिंट करना है तो ये अपन को नीचे में साइड रखना पड़ेगा। ये ऐसे, ये देखिए ये थोड़ा गैप है आजू बाजू में, तो इधर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ये अपना एडजस्ट हो चुका है। अभी इसके कलर निकालनी हो तो ये कलर दबाना, ये कलर दबाना, और ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी हो तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालना, मतलब मोनो। तो अभी हम पहले ब्लैक निकालेंगे, ये दबाया मोनो। ये धीरे धीरे जाएगा अंदर, ये नीचे से प्रिंटिंग चालू हो चुकी है इसकी। ये ट्रे खोल देंगे, ये अपना ये भी निकल चुका है और ओरिजिनल भी आ चुकी है। तो अभी हम देखेंगे कि ADF से मल्टीपल कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है चार पेजेस प्रिंटिंग साइड नीचे, मैक्सिमम 20 पेजेस, कलर तो कलर ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मोनो। अब हमको निकालेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, वो देखिए नीचे से जाएगा। देखिए देखिए नीचे से जा रहा है। तो ये है अपनी ओरिजिनल, ये आ चुकी है नीचे से जेरॉक्स। वीडियो पसंद आया, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब दिल खोल के दबा लीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।